नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर यहां पर सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में दिव्यांग लोगों के लिए एक बड़ी पहल की गई है। सांसद मेनका गांधी ने जिले के 4241 दिव्यांगजन को सहायक उपकरण वितरण किए। शहर के पंत सपोर्ट स्टेडियम में वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। दरअसल सांसद मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के दिव्यांगजनों की मदद के लिए एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के पिछले 2 महीने से जांच करवाई। जांच के उपरांत जिले में कुल 15,000 से अधिक दिव्यांगजन उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में मिले। इसके बाद सांसद मेनका गांधी ने एडिप के अधिकारियों के माध्यम से अनुरोध किया था कि आईओसी के तहत जिले के पंत सपोर्ट स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद सांसद मेनका गांधी ने शिरकत की और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण का उपहार दिया। दिव्यांगजन है, उनमें उनके पास सहायक उपकरण ना होने के नाते दिक्कत होती थी। हमने 2 महीने पहले तहसील में एक विशेष कैंप लगा के उनका परीक्षण कराया था और सांसद महोदया ने उसके लिए एलएमको की टीम बुलवाई थी। आज 2 महीने बाद उनको सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। यहाँ ऐसे लाभार्थी आए हैं जिनका परीक्षण पूर्व में हमारे तहसील पे होके एलएमको द्वारा रिकमेंड दी जाएगी है कि उनको कौन सा उपकरण दिया जाए। आज इस कैंप की उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे यहाँ करीबन 15,000 विकलांग हैं, उसमें सरकार ने कई कई तरीके से मदद की है। विकलांगों को घर भी मिले हैं, अभी शौचालय भी मिले हैं और मैं डीएम साहब का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मजमा इतना अच्छा बनाया कि सब लोग खुशी खुशी आए, अपने मोटरसाइकिल मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वगैरह सब ले लें। इसमें हमें खुशी है कि हम बना कर पाए। दिव्यांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल, छड़ी, कैलीपर्स, बैटरी वाली साइकिल उनकी तरफ से विकलांगों को मिल रहा है और ये सब विकलांगजन इसको पा करके बहुत ही खुशी हैं और भगवान करें कि सांसद जी ऐसे ही हमेशा सांसद बनी रहें और कभी हारे ना। हम लोगों के दुख दर्द को देखती रहें, सुनती रहें, हमारा सहयोग करती रहें। खबर राजधानी लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार पेयजल के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। जल शक्ति मिशन के तहत पूरे प्रदेश में हर घर नल योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में भी घर घर पेयजल पहुंचाने का काम विभाग द्वारा किया जा रहा है। लेकिन वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो कई ऐसे इलाके जिन इलाकों में अभी तक पानी मौजूद नहीं है बल्कि गंदा और बबरुआर पानी यहाँ पर आ रहा है। निवासियों के मुताबिक इलाके में पड़ी हुई सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन आपस जुड़े हुए हैं, जिसके चलते पीने का पानी में सीवर का पानी मिल जा रहा है, जिसके पीकर इलाके के लोग काफ़ी संख्या में चिकनगुनिया बुखार से पीड़ित हैं। वही ताज़ा मामला जानकारी हम सेक्टर के एच इलाके का है, जहां पर सैकड़ों घरों में बदबूदार पेयजल आ रहा है, जिसकी शिकायत इलाके के लोगों ने जलकल विभाग को कई बार की है। इसके बावजूद जलकल जोन 3 के अधिकारी अभियंता ने इलाके में पेयजल की नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू कराया है। पर पानी पीते पीते देखिए आज चिकनगुनिया से और डेंगू से, पिछली बार डेंगू हो गया था, पूरे परिवार को हुआ था और आज भी डेंगू हुआ है सब परिवार को, मुझे चिकनगुनिया हो गया। कितने दिनों से गंदा पानी यहाँ पे आ रहा था? काफ़ी साल हो गए, शिकायत करने के बाद भी कोई नहीं सुन रहा, कभी सही आ जाता है कभी ख़राब होता है, फिर कहने के बाद भी कोई नहीं सुनवाई हो रही थी। स्टेट बैंक कॉलोनी इलाका है और यहाँ पर पानी की समस्या बहुत दिनों से आ रही है। श्रीमान विवेक शर्मा जी से मैंने कंप्लेन करी कि इस पानी का जो भी प्रॉब्लम है इसको निस्तारण निकालें इसका, और उन्होंने ट्वीट कर करके जो हमारे माननीय विधायक जी हैं और जो बाकी सब कार्यकर्ता हैं और इनको बार बार जागरूक कराया, क्योंकि इन लोग को हम लोग ऑफिस जाके कंप्लेन रेज करते थे और कुछ नहीं बोलते थे, हो जाएगा। पानी कैसा आ रहा था? पाइपलाइन कहीं लीकेज थी, इसकी वजह से जब पानी का रेगुलर फिलिंग होती थी वो तो चलता था, जब मोटर से पानी आता था तो उसकी फेचिंग के अंदर बहुत गंदगी आया, क्योंकि ये पिछले लंबे समय से काम चला था, मोहल्ला और भी लोग भी बेचारे परेशान थे उसमें। लेकिन ये कि मैं लगातार कोशिश करता रहा, मेरा बेटी ने भी कई बार कंप्लेन करी इस चीज़ के लिए, काटे गए, मरम्मत किए गए और फॉल्ट प्रॉपर फॉल्ट न मिलने के कारण ये लाइन बदलने का कार्य यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। वर्तमान में काम चल रहा है और शीघ्र इसको समाप्त कर दिया जाएगा और समस्या का समाधान कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुरानी लाइन बहुत काफ़ी सालों से यहाँ पर चल रही थी तो वो जर्जर भी हो चुका था। तो अब कितनी दूरी है लगभग? ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है और उनके द्वारा डेवलप किया गया था और विकास प्राधिकरण के बाद अब जाकर के इस लाइन को बदलने का कार्य इस समय ईवीएम जहाँ स्टोर है स्ट्रॉन्ग रूम का जिला छिंदवाड़ा में,
जो रूटीन के हम हर बार चेक करते हैं उनका चेक किया गया है। तीनों लेयर ऑफ सिक्योरिटी एक्टिव पाई गई है और उसमें कोई समस्या नहीं दी गई है। साथ ही साथ काउंटिंग डे की जो व्यवस्था है उसके लिए काउंटिंग रूम से लेकर इनर आउटर कॉर्डन, बैरिकेडिंग, एंट्री एग्जिट पे पास का उपयोग, पार्किंग व्यवस्था, मीडिया के एंट्री व्यवस्था, इन सब इश्यूज पर लंबा चर्चा हुई है कलेक्टर साहब के संयुक्त टीम के साथ। एंड हमें पूरा भरोसा है कि हम हर तरह से काउंटिंग दिवस के लिए तैयार। खबर कानपुर से है। यूपी एसटीएफ और सचंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने पीएम आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन चारों लोगों ने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया था और उनसे लाखों रुपए की ठगी की थी। है कि ये व्यक्ति और इनके गैंग के कुछ अन्य सदस्य प्रधानमंत्री आवास योजना और इस प्रकार की अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ देने के नाम पर जनता के लोगों को फ़ोन करते थे और ये लाभ दिलाने के नाम पर उनसे कुछ पैसों की डिमांड करते थे और इस प्रकार पैसों की ठगी करते थे। इसका जो इनपुट मिला था उसके आधार पर एसटीएफ और थाने के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें चार व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हैं जिनके नाम अनिरुद्ध, संतोष, अजीत और दिलीप हैं। इनके प्रधानमंत्री आवास योजना का लालच देकर लोगों के साथ ठगी करने वालों को एसटीएफ और सचेंडी पुलिस की संयुक्त से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं बात करें एडीसीपी की तो उन्होंने बताया कि इनके पास से कई मोबाइल और सिम बरामद हुई हैं और आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद इनके साथ जो जो भी लोग और भी होंगे उनको भी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम गिरफ्तारी करेगी। अपने सहयोगी के साथ दीपक यादव, प्राइम टीवी कानपुर। खबर झांसी से है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों और मुक्तिधाम आदि को टैक्स से मुक्त रखा गया है। इसके बावजूद नगर निगम झांसी ने मुक्तिधाम को हाउस टैक्स बकाया होने का नोटिस थमा दिया है। नगर निगम ने मुक्तिधाम को 90,000 रुपये हाउस टैक्स बकाया का नोटिस देते हुए टैक्स अदा न करने पर कुड़की की चेतावनी दी है। इसे गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली पर रोष जताया। मुक्तिधाम कमेटी ने नोटिस को तत्काल रूप से वापस लेने की मांग की है। हम लोग भौचक्के रह गए कि अब तो मुर्दों पे भी टैक्स लगना, अर्थी पे भी टैक्स लगना। गरीब आदमी जिसके पास दाह संस्कार का पैसा नहीं होता था, उन्नाव गेट आता था, वहाँ के अध्यक्ष वीर सिंह यादव अपने पास से, वीर सिंह, सरदार वीर सिंह अपने पास से पैसा देते थे। लेकिन कल एक ऐसा भाग क्या हुआ कि अब मुर्दों से भी हाउस टैक्स लिया जाएगा। जिंदा लोगों से कहा गया था कि 50% हम वो आज तक जीवन में हमने कभी नहीं सोचा होगा। अच्छा, जो देखभाल हम कर रहे हैं सेवा के रूप में कर रहे हैं, आज तक कोई यहाँ की जनता तो पूछ लो, सारी जनता खड़ी है सहयोग के लिए, आगे खड़े रहते हैं। यहाँ तो कोई हम लोगों की आमदनी तो है नहीं। यहाँ आज जो चौकीदार बेचारे काम कर रहे हैं, जो पैसा यहाँ रसीद कटती सब उसी में मिलता है इनको, कोई तनख्वाह तो कोई देता नहीं है। या गवर्नमेंट देती हो हमको तो हम इनको दें। खबर हरदोई से। हरदोई में उस समय हड़कंप मच गया जब ईडी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहर इलाके में एक शिक्षिका के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद टीम शिक्षिका को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। बताया गया है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले और साइन सिटी से जुड़े मामले को लेकर ईडी ने छापेमारी की है। माधोगंज इलाके की रहने वाली ससीवाला प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका है। बताया गया है कि महोरिया इलाके से वो ग्राम प्रधान भी रही हैं। अगली खबर मऊ से। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से, जहां पर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में मोटे अनाज की जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों ने रैली निकाली है। इस दौरान शहर के कई स्कूलों के बच्चे सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। वहीं भाजपा विधायक रामविलास चौहान सहित मुख्य विकास अधिकारी प्रसाद नगर सहित
तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। वही बताया जा रहा है मोटे अनाज की जागरूकता के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा लोगों से अपील की गई कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज का सेवन करें और अपनी सेहत को ख्याल में रखें। खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर के लक्खी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान धार्मिक विधि विधान और गंगा पूजन के साथ मेले का शुभारंभ भाजपा विधायक संजय शर्मा ने फीता काटकर किया। वहीं इस दौरान विधायक संजय शर्मा के साथ नगर पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल और उप जिलाधिकारी नवीन कुमार भी मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से, जहां देर रात तिलक समारोह जा रहे तीन युवकों को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। मामला खुखुंडू थाना क्षेत्र के हुए क्षेत्र में है। चुद्दपुर कोटवाली थाना क्षेत्र के रनियावा गाँव से एक तिलक समारोह में किशन गोविंद और किशन एक ही बाइक से सवार होकर सलेमपुर की तरफ समारोह में शिरकत होने के लिए जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन लेने को खुखंडू चौराहे पर टक्कर मार दी, जिसमें किशन और गोविंदा की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरा किशन अस्पताल में भर्ती है। मौके पर पहुंची खुखंडू पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद देवरिया में कल रात्रि थाना खुखुंडू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर के पास एक पल्सर बाइक व सवार तीन युवक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गए, जिससे मौके पर ही दो लोगों की मृत्यु हो गई तथा एक अन्य घायल है। सूचना मिलते ही खुखुंडू पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया एवं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की जा रही है। खबर रायबरेली से, जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण घर में भीषण आग लग गई, जिसके कारण घर में रखी गृहस्थी समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत इंदा नहर मोहल्ले का, जहां के रहने वाले सौरभ श्रीवास्तव के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और देखते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखी गृहस्थी का सामान को खाक कर दिया। गनीमत यह रही कि उस समय घर में कोई शख्स मौजूद नहीं था, सभी लोग निमंत्रण में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। वहीं आसपास के लोगों की सूचना पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि आग से करीब 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? क्या हुआ इधर? से आपके घर में लगी लगी कितना सामान, क्या लग रहा है कितने की सामान होगा? लगभग लगभग 2 लाख। तो अभी कोई आया बुझाने के लिए? कंट्रोल है? कोई हताहत, कोई ऐसी बात? कैसे क्या पता चल रहा है आपको? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? खबर प्रयागराज के कोराव थाना क्षेत्र का है, जहां पर दो बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में बाइक पर बैठा मासूम ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गया, जिसमें मासूम की दर्दनाक मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहाँ पर उसका इलाज जारी है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके की एक पास सोसाइटी में महिला का शव मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला का शव एटीएस एडवांटेज सोसाइटी में मिला है। शव ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट के बाहर बने फाउंटेन में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि मृतक युवती आस्था शर्मा दिल्ली की रहने वाली थी, वो गाजियाबाद के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बीडीएस की छात्रा थी। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। मृत अवस्था में पड़ी हुई है, तत्काल पुलिस यहाँ पे आती है। शव को हम कब्जे में लेके पंचायतनामा करते हैं, उसके बाद हम शव के पहचान का प्रयास करते हैं। अब हमें शव का पहचान हो गया है। लड़की की शिनाख्त आस्था शर्मा के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं। इनके पिता का नाम अजय शर्मा है और यह यहाँ पे गाज़ियाबाद में एक प्राइवेट मेडिकल संस्थान में छात्रा थी। और यहाँ पे जहाँ तक बात है इस सोसाइटी की, तो यहाँ पे एक इनके मित्र रहते हैं, जिनके यहाँ इनकी काफ़ी पुराने समय से इनकी दोस्ती थी उनसे, और इनका लगातार यहाँ पे आना जाना था। और जो घटना के बारे में जो यहाँ के सोसाइटी वालों से
पूछताछ में प्रथम दृष्टया उन लोगों ने बताया कि ये युवती जो है ऊपर से कूद गई हैं। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।